देश के कई इलाके भीषण गर्मी से जूझ रहे हैं। हालात ये है कि दिल्ली के नजफगढ़ में शुक्रवार को पारा 47.4 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया और ये देश में सबसे गर्म स्थान रहा। राजस्थान में 19, हरियाणा में 18, दिल्ली में 8 और पंजाब में 2 स्थानों पर पारा 45 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है। ऐसे में भारत मौसम विज्ञान विभाग ने भी बारिश का बेसब्री से इंतजार कर रहे लोगों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। मौसम विभाग ने 18 मई से अगले 5 दिनों तक उत्तर पश्चिमी भारत के मैदानी इलाकों में भीषण लू का अनुमान जताया है। साथ ही बताया कि शनिवार से पूर्वी और मध्य प्रदेश में फिर से लू चल सकती है। आईएमडी ने 18 से 21 मई तक राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के कुछ इलाकों में भीषण लू की स्थिति का अनुमान जताया है। इसके साथ ही विभाग ने यूपी और गुजरात के कुछ इलाकों में 21 मई तक लू की स्थिति होने का अनुमान जताया। वहीं बिहार में 20 मई तक, झारखंड में 19 और 20 मई, उत्तरी मध्य प्रदेश में 18 से 21 मई, बंगाल के कुछ इलाकों में 18 से 20 और उड़ीसा के कुछ इलाकों में 20 और 21 मई को लू चलने का अनुमान जताया है।